मुझे पता चल गया है कि कमरा कहाँ है। कहाँ है ये? Thank you.
देवी, देवी। अरे ये दरवाजा खुला कैसे? ए! कौन है? कौन है वहां? बाहर आओ। आवाज कैसी है? ओहो, तो ये क्या है? ये अपग्रेड किए हुए भूतबस्टर ग्लव्स हैं, जो बहुत फास्ट परफॉर्म करते हैं और इनमें सेंसर भी लगा है जो हमारे पास आत्मा होने का इंडिकेशन भी देता है। वाओ, टच मत करो और इतनी उतावली भी मत हो, ये अभी चार्ज हो रहे हैं। मेरे लिए ठीक रहेंगे ना? छोटे बच्चे चार्ज होने वाली चीजों को संभाल नहीं सकते, तुम जानती हो ना? हाँ जानती हूँ। टायर्स में क्या प्रॉब्लम है? वो दोनों फ्लैट क्यों है? क्या ये तुमने किया है? मैंने नहीं किया। क्या तुम बाहर जा रही हो? तो बड़ी वाली गाड़ी ले जाओ, मैं भी साथ चलती हूँ। लेकिन लेकिन क्यों? हम लोग एक टीम है, हमें साथ रहना चाहिए। तुम अकेले रहना चाहती हो? हाँ चलो, ये ईगो को ही डिसाइड करने दो। हाँ चलो, अब खड़े क्या हो? चलो लेट्स गो। अरे मत छू, लो ये ले लो। यहाँ रख दो, ध्यान से। सबसे पहले पुरानी एग्जीक्यूटिव टीम ने इस कमरे को सबसे लास्ट में बेचने का इरादा किया, लेकिन देख सकते हो कुछ भी बदला नहीं है। यहाँ पर बहुत शांति है, मैं यहाँ बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगा। आपको यकीन है क्या? मुझे लगता है ये काफी है। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत सारे स्टेट है। जरूरत नहीं है, मेरे लिए काफी है। केट, हमने तो इस बारे में बात की है। देखो ये कीमत में इतनी बड़ी और इससे अच्छी जगह कहीं और नहीं मिलेगी। प्लीज आप प्लम्बर को बुला देंगी लीकेज को ठीक करने के लिए? जरूर। हो सकता है ये शायद अपने आप खुल गया हो, पर यहाँ पर मैडम कोई भी नहीं आ सकता, मेरा विश्वास करो आप। ये अपने आप कैसे हो सकता है? हमारे पास तो चाबी भी नहीं है यहाँ की। हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं
जब अंधेरा होता है तो भूत एक के बाद एक दरवाजा खोलता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, जोन डी और जोन सी में ऐसा पहले देखा जा चुका है। ताला बनाने वाले को इसे चेंज करने के लिए कहो, और तुम भूत के बारे में बोलना बंद करो। उस कमरे में कस्टमर है, जानते हो ना? हाँ ठीक है। जब देखो चिल्लाती रहती है, ये कर दो वो कर दो, ऐसा करो वैसा करो, ये मत करो वो मत करो। देवी, मुझे उसका नाम भी लेने में डर लग रहा है। मैं आपको कुछ जरूरी चीज बताऊंगा। वो अभी भी बच्ची है, लेकिन उसके पीछे आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। कितनी डरी हुई अंकल पैंग? डरी हुई नहीं, जो भी उसकी पूजा करेगा वो अपने जीवन में बहुत ही समृद्ध और सफल हो जाएगा। कुछ लोग तो पहले ही मर चुके हैं, उसने बस 3 बार फूंका और लोग अपने आप जिंदा हो गए। क्या आपने ये अपनी आंखों से देखा था? मुझे किसी ने बताया। उसे कहना विश्वास लायक था, लेकिन आप लोग मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? वो फेरी ने हमसे कहा कि आप यहाँ के काफी पुराने निवासी हैं, आप यहाँ के बारे में सब जानते हैं। उस पर भरोसा मत करो। आओ मैं कुछ बताता हूँ। ये प्रियंका देवी की बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने उसे अपनी जमीन तक दे दी है। वो लुआंगपोर से भी ज्यादा फेमस है, उस पर विश्वास करने वाले बहुत लोग हैं, और उन्हीं में से वाटपा देवधाम भी था। वाटपा देवधाम? हाँ। कितनी दुख भरी कहानी है। वाट अब नहीं रहा, जब से लुआंगपोर की मृत्यु हो गई, और जो वो वाट आपने देखा है वो एकदम वीरान हो गया। अंकल पैंग, ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ओहो, क्या कर दिया। अरे रखो उसको, रखो रखो, वापस रखो। अरे इसको नहीं छूना चाहिए। ओह, अरे कहां से तुमने खोज लिया, इसको नहीं छूना चाहिए था। तो वार्ड गांव के लोग कहां गए, कहां है अभी? वो सारे लोग गांव छोड़कर चले गए। उनमें से कुछ लोग लौट कर आए, कुछ लोगों ने अपना घर वगैरह ठीक कराया, लेकिन फिर वो रह नहीं पाए क्योंकि वहां पर एक भूत ने कब्जा जमा लिया है। वहां पर सिर्फ कुछ लोग इकट्ठा होकर ड्रग्स वगैरह करते हैं, और कुछ खास बात नहीं है। तो क्या आपको पता है प्रियंका देवी कहां है? हां, मुझे कहां से पता होगा, किसी को नहीं पता है। उसके विश्वासी कहते हैं कि वो कहीं अपनी तपस्या करने चली गई है। वो ऐसी तपस्या कर रही है कि मनुष्य कभी पाप ना करे, लोगों को पाप से बचाने के लिए। हाँ। मतलब प्रियंका देवी को मानने वाले? हाँ शायद। आपको ये सब देखकर तो बहुत अजीब ही लगेगा। हम एक काम करते हैं, हम एक अनाथ को ढूंढते हैं जो धम्माक फॉस्टर हाउस में रहा हो। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ मिलेगा? ओह, अरे वो तो घास में सुई ढूंढने जैसी बात होगी। एना, सुनो, अगर तुम डॉक्टर टॉप को ना पसंद करती हो ना प्यार करती हो, तो तुम्हें बता देना चाहिए, क्लियर कर लो।
अपना नंबर भी चेंज मत करो और किसी को तुम्हारी इस मेस को क्लियर करने दो। मैंने तुम्हें बुरे वक्त में डाला, इसलिए मुझे माफ कर दो तुम। इट्स ओके। एक्चुअली तुम भी अपना नंबर बदल सकती हो। क्या, किसके लिए? मेरे पहले फोन से सिर्फ यही नंबर चलता आ रहा है, मैं नहीं चेंज करने वाली। सच में? मुझे लगता है तुम किसी के कॉल का वेट कर रही हो। ताम या वायु? एना, तुम? एना? रुको रुको रुको। हाँ? मत जाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। लो ये देखो, ये आदमी वहां पर काम की। एक पब्लिक स्टेट मंदिर पर बनाई जा सकती है। जहां तक मैं जानता हूं, ये प्रॉपर्टी किसी एक शख्स की थी जिसने मंदिर के लिए इसे दान कर दिया था। इस प्रॉपर्टी के कोई कागजात नहीं थे। उसके बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने इसे नावा टाउन को बेच दिया, इसलिए मंदिर के पास इसको रखने का कोई हक नहीं है। वो मंदिर पर बनाया गया है, कोई शक नहीं कि वो हॉन्टेड है। छोड़ो भी, तुम इन सब चीजों को किसी न किसी रहस्य से जोड़ देती हो। वास्तविकता में ये एक टेम्पररी प्रोजेक्ट है, इसे काला धन कमाने और टैक्सेस से बचने के लिए बनाया गया। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, ये हमारे यहाँ न्यू टीचर अपॉइंट हुई है, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। इनका नाम रति है, आज से ये बच्चों को प्रिंट मेकिंग के बारे में सिखाएंगी। हेलो। हेलो। नमस्ते। आप मुझे कैट बुला सकते हैं? प्लीज सभी मिलके इनका सपोर्ट करें। जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देने, तो मुझे अभी जाना होगा। चियांगमाई में तुम्हें कितने दिन हुए हैं? ज्यादा नहीं, मेरे हस्बैंड स्टूडियो चलाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ उनके साथ आना पड़ा। ये जगह मुझे पसंद भी आई। वैसे कहाँ है स्टूडियो? मैं तुम्हारे हस्बैंड की ड्राइंग देखना चाहूंगी। यही पास में कॉन्डो में है, नेवर टाउन स्टेट में, आप कभी भी आ सकती हैं। नेवर टाउन स्टेट? तुमने वो क्यों पसंद किया? बस ऐसे ही, मुझे लगता है वो पुराना है पर अच्छा है। वो जगह बहुत बड़ी है और मेरे हस्बैंड को पसंद भी आई, तो मैं भी मना नहीं कर पाई। अगर तुम्हें कोई भी चीज संदिग्ध लगे तो तुम टीचर गीता से बात कर सकती हो। नेट, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? नेट, तुमने कुछ खाया कि नहीं? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। नेट, hmm?
तुम बहुत जल्दी घर आ गई, पहले दिन ज्यादा काम नहीं था क्या? जल्दी कहाँ आई, रात के 9 बज गए हैं। सच में? ओह, मुझे लगा दोपहर है, शायद मैं काफी देर से काम कर रहा हूं। ये तुम क्या ड्राइंग कर रहे हो? पता नहीं, बस कुछ बनाना चाहता हूं। मैंने इसे कोई नाम नहीं दिया अभी तक। तुमने देखा केट, मैंने एक दिन में इतनी पेंटिंग बनाई। तुमने कुछ खाया नैच? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं, चलो खाना खा लो। मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन मुझे भूख भी नहीं है। जाओ तुम जाके खा लो, मेरा इंतजार मत करो। तुम मेरी बात सुनो नैट, अभी खाना खाकर सो जाओ। ये काम तुम कल भी कर सकते हो ना? कल बहुत देर हो जाएगी। वीपा नाम था घर में काम करने वाले का। हाँ, अंकल ने मुझसे कहा कि वहां पर काम करने के लिए बहुत सारे स्टाफ थे, लेकिन उन्हें सिर्फ ये एक ही याद है। वेल, क्या वो जानते हैं कि हम उस इंसान को कहाँ पर ढूंढ सकते हैं, वो कहाँ मिलेगा? मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, पर मुझे लगता है कि हमें शहर के फॉस्टर हाउस जाना चाहिए। आखिर हमें ये पता है कि हमें किससे मिलना है? हम लोगों को उसे ढूंढने में मुश्किल होगी। मुझे यकीन नहीं है कि ये फॉस्टर हाउस मंदिर की जमीन पर बना है जिसका नाम वटपा देवधाम है। फॉस्टर हाउस बाद में बंद कर दिया गया, अब उसका नाम बदलकर नेवरटाउन रख दिया गया। इसके बंद होने का कारण हो सकता है नेवरटाउन हो और नहीं भी। ये तो जाहिर सी बात है, हमें गीता आंटी की बेटी को पहले ढूंढना होगा। आपका शुक्रिया मेरी और प्रैंक की मदद के लिए, जबकि इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं। ये तो हमारी खुशनसीबी है ना?
मैं क्या कर सकता हूँ? जो हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुझे बड़ा कमरा चाहिए, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैंने तुमसे कहा था कि वहां नहीं है, वहां कमरा मौजूद नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं कैसे भी करके उसे ढूंढ लूंगा। ठीक है, प्लीज। नेट, नेट, नेट। अब गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं काम कर रहा हूं। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? थोड़ा आराम कर लो, बाद में ये सब कर लेना। तुम दोनों ने अगर इस वीक के अंदर मुझे लैंडस्केप सबमिट नहीं किए तो मैं तुम दोनों को फेल कर दूंगा। यस सर। यस सर। हाँ, जा सकते हो तुम लोग। जी सर। लगता है आज बारिश होने वाली है, तभी तुम उनसे मिलने आई हो। मजाक मत करो। क्यों, ये सच नहीं है क्या? रवि, क्या तुम जानते हो कि शहर में फॉस्टर टाउन कहाँ है? हाँ, रास्ते में दिखता है मुझे, मैं ले जा सकता हूँ वहाँ तुम्हें। धन्यवाद। तुम जानते हो मैं क्या सोचती हूँ? कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचती हो। गीता, सर कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? आपने मुझसे कल कहा था ना कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ। हाँ कहो, क्या हुआ? कहीं कोई रहस्यमय बात तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है सर। मुझे नहीं पता कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ या नहीं,
बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नेट कुछ अजीब तरीके से हरकतें कर रहा है। वो सिर्फ ऐसी ड्राइंग बना रहा है, पहले वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। क्या तुम्हारा हस्बैंड घर पर है? हाँ। प्लीज मुझे वहां ले चलो। मिस उपारा पहले ही चली गई हैं। अंकल आप क्या कहना चाहते हैं? 3 साल पहले ही वो अपने पति के साथ यहाँ से चली गई। फिर वो कहाँ गई? ये तो मुझे नहीं पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है तो मैं चलता हूँ। हेलो एगो। गीता आंटी ने अभी मुझे फोन किया था, कह रही थी कि मैं और प्रिया टाइग्रेस बोर्ड को लेकर नेवर टाउन के ई जोन में जाएं और तुम स्टाफ की अपॉइंटमेंट को रेक्टिफाई करो। अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। क्या हुआ? मैं बाद में बताती हूँ। क्या हुआ? गीता आंटी को तलवार क्यों चाहिए बताओ। मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे जल्दी में थी, नहीं तो वो इसे खुद ले जाती। ठीक है, फिर हम जल्दी से जल्दी मिलते हैं। ओके। चलो चले। गीता आंटी ई जोन की तरफ जा रही है, हमें भी वहां जाना चाहिए। नेट, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं था, मैं इसे तोड़ रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुझे नहीं पता, बस मुझे इसे तोड़ना है। क्या कर रहे हो? तुम नेट क्या कर रहे हो? नेट नेट ऐसा मत करो। Oh!
गीता आंटी फोन नहीं उठा रही, अब हम क्या करें? दोबारा कॉल करके देखो। ये किसकी आवाज है? चलो क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मदद करो, मेरी मदद करो, मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो। मदद करो। चिल्लाओ मत, थोड़ा शांत हो जाओ। मेरे पति वो पागल हो गए, उन्होंने मेरे दोस्तों पे हमला किया और उन्हें बांध दिया है। मैं वहां से भाग कर आई हूँ और यहाँ ये गार्ड मुझे ऐसी हालत में दिखा। सुनो गीता मैम, तुम्हारी फ्रेंड है क्या? सच सच बताओ। तुम टीचर को जानती हो? तो अभी वो कहाँ पर है? तुमने मेरे बच्चों को मार दिया। हाँ मारा है मैंने, ताकि वो तुम्हारे जैसे बुरे बाप नहीं बने। देवी का शरीर, आखिर मुझे देवी का शरीर मिल ही गया। उसके शरीर में किसी की आत्मा घुस गई है। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो मुझे। क्या हुआ एगो? गीता आंटी खतरे में है।
से कहा था कि वहां नहीं है, वहां कमरा मौजूद नहीं है। देवी, 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 क्या कर रहे हो तुम यहां? देवी ने मुझे एक पूजा के लिए बुलाया था। पूजा के लिए? इतनी रात को कौन सी पूजा होती है? लेकिन उन्होंने सचमुच मुझे आज इस समय पर बुलाया था। तेरी तो देखो, आज उनका प्रोग्राम बस दोपहर तक ही था, तुम लेट हो गए। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो कल आ जाना। लेकिन लाओ ये मुझे दे दो। मुझे ताकत दिखाता है।
मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी। सुनो गीता आंटी वहां बड़े खतरे में है, हमें जल्दी से कोई एक्शन लेना होगा। नहीं मुझे यहां से बाहर निकालो। नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, गीता आंटी सेफ नहीं है। क्या हुआ ईगो? गीता आंटी खतरे में है। कहाँ है वो? रूम नंबर 103 में। तो तुम दोनों? हे रुको, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। चलो चलते हैं। रुको समझाया है, हमें लड़ाई एक साथ लड़नी है पर तुम बहुत स्लो हो। बस करो आना, मुझे लगता है लेफ्टिनेंट केन को कॉल करना चाहिए। ये सब क्या है गीता आंटी? इसकी आत्मा पर कोई शक्ति हावी हो गई है। रवि तुम और ऐना रति और उसके हस्बैंड के साथ रहो। कौन है? उस तरफ कुछ है। तुम्हारे बहुत नजदीक आ गया हूं देवी, बहुत ही नजदीक। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, आज मुझे बहुत सारा काम था। मैं तुम्हारे साथ बहुत देर तक नहीं रह सकता हूं, कोई हमें साथ में देख सकता है।
हम कल दोबारा मिलेंगे। मैंने कहा ना हम दोबारा मिलते हैं। बाहर आओ, मैं कह रहा हूं बाहर आओ। प्रियंका देवी, क्या हुआ है? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? मैं आम इंसान हूं, मुझे देवी बुलाना बंद करो, मुझे नहीं बनना देवी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम आम इंसान नहीं हो। मुझे आपको डॉक्टर के पास ले जाने दीजिए। देवी, देवी उसे देखो, आप जानती हो देवी, आप मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज मेरी मदद करो देवी। देवी प्लीज मेरी मदद करो, अगर आप मेरी मदद करेंगी मैं आपको वो चीज दूंगा जो आप चाहती हो। बस पहुंच ही गया। नेट, रुको जरा, तुम ठीक हो गए नेट? ये लोग कौन है? हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, टीचर ने हमें आने के लिए कहा था जब तुमने अजीब बर्ताव किया। अजीब? अजीब मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? यहां पर कोई शक्ति है जो तुम पर हावी हो गई थी, तुम पागल हो गए थे और सभी को मारने वाले थे, जैसा कि तुम देख सकते हो। वो औरत? कौन सी औरत? जिसे तुमने इस पोर्ट्रेट में बनाया है, तुमने उसे देखा क्या? कमजोर और अलग तरह से कीमती होती है। नाट एक आर्टिस्ट है, उनकी आत्मा आसानी से काबू में आ गई। क्या ये इतना आसान है? क्या तुम इसकी वजह जानती हो कि मिस्टर नट इस तरह से क्यों बन गए? सीढ़ियों के नीचे कोई बुरी आत्मा भी हो सकती है। एक गर्भवती महिला को सावधान रहना चाहिए। हाँ,
इसलिए तुम पर हावी होना आसान है। सब लोग सुनो, वहां पे दरवाजा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो चलते। आराम से। कौन हो तुम? तुम्हें कैसे पता यहाँ कमरा है? मैं तुम्हें क्यों जवाब दूँ? डेड बॉडी, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, बीच में मत पड़ो। प्रियंका देवी। प्रियंका देवी, तुमने मुझे काम किया, मेरे शव को यहाँ से बाहर ले जाओ। प्रियंका, मेरी बच्ची, आखिरकार हम दोनों एक दूसरे से मिल ही गए माँ। माँ,
माँ सुनो तो, माँ कहाँ जा रही हो? माँ, माँ सुनो, माँ मत जाओ। मत जाओ माँ। मैं ज्यादा दिनों तक नहीं रुकूंगी, जल्द वापस आऊंगी। आप रुक नहीं सकती क्या? मैं एक डॉक्टर की पढ़ाई करने जा रही हूँ। तुम्हें गर्व होगा एक डॉक्टर की बेटी होने पर। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी रहना चाहती हूँ, पर ये जरूरी है। नहीं, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। तुम अपनी आंटी के साथ रहो, वो अच्छे से देखभाल करेंगी तुम्हारी, और वीकेंड्स पर डैड तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। नहीं, मैं उनसे नफरत करती हूँ, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। चलो चले, तुम्हें एयरपोर्ट पहुँचना है। माँ रुको ना, मुझे आपके साथ रहना है। मत जाओ ना, मत जाओ ना माँ। इसका अच्छे से ध्यान रखना, जरूरत पड़े तो कॉल करना मुझे। आप जाओ, इसकी चिंता मत करो। मत जाओ ना, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी माँ, मुझे आपके साथ रहना है। मैं नहीं जाने दूंगी माँ। माँ रुक जाओ, प्लीज मत जाओ माँ, प्लीज मेरे साथ रुक जाओ। प्रियंका, मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो मुझे। माफ कर दो? ये कहने में आपने बहुत देर कर दी। प्रियंका देवी, गीता मैम की बेटी है जिसे हम ढूंढ रहे थे। इसका मतलब प्रियंका ही देवी है। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। प्रियंका, प्रियंका, मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, माफ कर दो मुझे बेटा। तुम कहाँ जा रहे हो? ये टॉर्च लो। मेरे पास है एक। ये घोस्टबस्टर वाली नहीं है। तुम मेरे मरने का इंतजार कर रही थी, दो मुझे। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आ, 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 आ,
कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं नाज, तुम ऐसे नहीं हो, इन्हें मत मारो। तुम देवी पर हमला करने जा रहे हो? कौन सी देवी? आओ, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, इसके हाथ बांध दो, छोड़ो मुझे। मारना मत, ये किसी के वश में है। शायद मुझे उस दुकान में नहीं जाना चाहिए था, गलती हो गई। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहां पर हैं? वेल, तुम्हारे खूबसूरत दोस्त ने मुझे टेक्स्ट किया। कम ऑन, एक पुलिस को बुलाता है और एक चोर को। तो बैम कहाँ है?